हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला चिकन फ्राई की रेसिपी आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, देर नहीं करते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ली हूँ 250 ग्राम चिकन, जिसका मैं पीसेस कुछ इस तरह से रखी हूँ। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला का पाउडर। अगर इसकी वीडियो आप सभी को चाहिए तो ऊपर में आई बटन आएगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा क्रश किया हुआ, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला, 2 छोटी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर का पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी मिर्च ज्यादा तीखा नहीं होता है, अगर आप नॉर्मल मिर्च डाल रहे हैं तो इसका क्वांटिटी कम कर दें। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्च कुटा हुआ, 1/2 लेमन का जूस डालेंगे। इसे अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर देंगे। इससे पहले मैं बहुत सारी चिकन की रेसिपी पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, अगर उसे आप सभी को देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे चिकन में बहुत ही अच्छी तरह से कोटिंग हो चुका है मसाला का। अब हम लोग इसे कवर करेंगे और इसे 1/2 से 1 घंटा के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। चिकन को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, अब हम लोग इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए हम लोग एक कढ़ाई में ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल गरम होते ही हम लोग चिकन में से एक एक पीस लेंगे और इसमें डिप करते जाएंगे। अब इसे हाई फ्लेम पे 1.5 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने देंगे। 1.5 मिनट हो चुका है इसे फ्राई होते हुए, अब हम लोग इसका साइड चेंज करेंगे और दूसरे साइड से भी 1 से 1.5 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, कुछ इस तरह से इसे अलटते पलटते हुए 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे। तो लीजिए जी, यहाँ पे हम लोगों का चिकन बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो चलिए, अब हम लोग इसके फ्लेम को ऑफ करते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे चिकन बहुत ही मज़ेदार बना है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल के इसे डेकोरेट करेंगे। तो आपने देखा है, इसे बनाना कितना आसान है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है इसे बनाने का तो आप इसे 1/2 घंटा के लिए ही मैरिनेट करें। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।